तो फाइनली फ्रेंड आज हम लोग प्रश्न वाली 4.1 को अंत कर देंगे, खत्म कर देंगे। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन चल रहा है अध्ययन 4 का, द्विघात समीकरण का 4.1 का। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्या क्या 1 और 2 का पहला दूसरा हल कर चुके थे, आज हम लोग तीसरा और चौथा को हल करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं तीसरा और चौथा को किस तरह हल करते हैं। तो अभी तक नए हैं आप मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह का वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं सबसे पहले इसको किस तरह हल करते हैं। तो आइए देखिए, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन हमने लिख चुका है, क्या लिखा है यहाँ पे आपको पहले समझा देते हैं, पढ़ के उसके बाद आपको बताते हैं। उससे पहले हम बता दें कि दूसरा में यही कह रहा था कि हम पहले ही बता चुके थे, अभी बता देते हैं कि कहते हैं निम्न स्थितियों में द्विघात समीकरण को निरूपित, मतलब निरूपित करना है द्विघात समीकरण को, इसको लिखना है द्विघात समीकरण के रूप में, ठीक है। तो और कुछ नहीं करना है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग किस तरह इसको हल करते हैं। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, है कि नहीं, मोबाइल के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कहता है कि देख लीजिए, कहता है कि रोहन की माँ है, ठीक है, उससे 26 वर्ष क्या है बड़ी है। तो जाहिर सी बात है माँ क्या होती है, बड़ी होती है। चलिए 26 वर्ष की क्या है रोहन की माँ, उससे 26 वर्ष अधिक है। तो कहता है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष के बाद 300 कितना होता है 60 हो जाता है। याद रखिए पश्चात मतलब बाद, मतलब 3 साल बाद मतलब बोले तो क्या 3 साल बढ़ गया है ना, मतलब इंक्रीज कर गया। तो 3 साल बाद उसका गुणनफल, दोनों का जो गुणनफल होता है वो कितना होता है 360 हो जाता है, हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है कि रोहन का कितना आयु होगा वो हमको ज्ञात करनी है। तो हमको ये क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब क्वेश्चन हमको ये भी कह रहा है कि हमको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, मतलब द्विघात समीकरण के रूप में लिख दीजिएगा आप, तो आपका आंसर ये भी हो जाएगा एंड उसका वर्ड्स में एक्स का मान भी निकाल लीजिएगा तो वो भी ठीक है, और अगर आप सिर्फ समीकरण ला के छोड़ देते हैं तो वो भी ठीक है। तो चलिए देखिए इसको किस तरह हल किया हमने, जहाँ तक कि आपको दिख रहा होगा काफ़ी आसान तरीके से हल किया, कोई ज़्यादा लोचा लपाचा नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस जो है बस यही लिखना और कुछ नहीं करना, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ पे माना की पहले क्या लिखना है, माना के लिख के उसके बाद लिखना है कि रोहन की वर्तमान आयु कितना बोले, हमने माना एक्स, ठीक है। रोहन की वर्तमान आयु क्या मान लिया हमने एक्स माना रोहन की वर्तमान आयु, ठीक है। चलिए ये तो हो गया, उसके बाद हमने लिखा है यहाँ पे कि रोहन की माँ की वर्तमान आयु क्या है, तो एक बार 26 वर्ष अधिक थी, है कि नहीं, 26 वर्ष अधिक है। तो भैया रोहन से 26 वर्ष अधिक है, तो रोहन का वर्तमान आयु कितना एक्स माने हम, एंड 26 वर्ष अधिक है तो क्या होगा एक्स प्लस 26 हो गया। चलिए ये ठीक है। फिर कह रहा था क्वेश्चन में कि रोहन की आयु 3 वर्ष बाद, मतलब कि 3 वर्ष पश्चात उसका गुणनफल कितना हो जाता है 360 हो जाता है। तो 3 वर्ष पश्चात मतलब दोनों में क्या हुआ 3 वर्ष इंक्रीज कर गया, मतलब बढ़ गया। तो रोहन में 3 वर्ष बढ़ने के कारण क्या हुआ x प्लस 3 हुआ, देन तब रोहन की माँ में आयु में 3 वर्ष बढ़ने के क्या हुआ x प्लस 26 है, प्लस 3, क्योंकि यहाँ भी मेरा 26 है ना, ये जो इसका ये मेरा है ये क्या है, ये मेरा एक्स था, तो रोहन में 3 जोड़ दिए है ना, 3 वर्ष जोड़ दिए, एंड यहाँ पर रोहन की माँ में कितना था पहले एक्स प्लस 26 था, तो हम इसमें एक्स प्लस 26 है प्लस 3 कर दिए, कोई दिक्कत, 3 वर्ष हम बढ़ा दिए। तो अब यहाँ पर 26 में से 3 जोड़ दिए तो क्या 29 हो गया, तो x प्लस 29 हो गया। ये मेरा फाइनली ये चीज़ मेरा पता चल गया कि रोहन की माँ की आयु 3 वर्ष बढ़ने के बाद रोहन की आयु कितना होगी, ये चीज़ हम निकाल चुके, ठीक है। अब हम लोग आगे आइए, यहाँ पे सबसे बड़ा कंसेप्ट वाली बात यहीं पे है, बस गौर से देखते रहिएगा। देखिए कहता है कि अब यहाँ पर दोनों का गुणनफल बोला था ना कितना 360 है, तो दोनों के मतलब बढ़ने के बाद 3 वर्ष बढ़ने के मतलब पश्चात रोहन दोनों का गुणनफल कितना है 360 हमको बताया गया था, ठीक है। तो लिखिए दोनों की आयु का गुणनफल, सॉरी वहाँ पे गुणनफल यहाँ पे लिखा होता थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है, तो इसको सही कर लिया गुणनफल होगा, ठीक है। तो चलिए तो पहला आयु क्या है, रोहन का आयु कितना एक्स प्लस 3 3 वर्ष बढ़ने के कारण बढ़ने के बाद, एंड उसकी माँ की आयु कितना है 3 वर्ष बढ़ने के कारण, तो उसकी माँ की आयु यहाँ लिख लिया है कि ना, कितना है एक्स प्लस 3, दोनों का गुणा कर दी, दोनों का गुणनफल यहाँ पे हम लिख लिया है, ठीक है। समीकरण यहाँ पे ये आइए दोनों को लिख लिया, ये रोहन का हो गया, ये उसकी माँ का हो गया, इजिकल टू उसका गुणनफल कितना 360 है। अब बस कुछ नहीं करना, जब बट्टा का जोड़ गुना कर लेना है, तो क्या कि हमने एक्स को गुना कर दिया, एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, फिर इसको गुना किया, गुना गुना करके यहाँ पे लिख लिया, आपको गुना करना आता ही होगा कि नहीं, तो आप जरूर इसको गुना करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिएगा, ये टूट जाएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर ये तोड़ेंगे इस तरह बनेगा, तो ये 360 को फिर इधर लेके आएंगे तो ये 87 में से घट जाएगा, इसमें से एक्स स्क्वायर, तो फिर फाइनली हमको जो आंसर देगा वो कितना देगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273, ये मेरा देगा इक्वल टू 0। तो ये देखिए आप द्विघात समीकरण के रूप के है, ये है कि नहीं, ये जो है हमारा द्विघात समीकरण के रूप का है, तो इसका मतलब ये हुआ जब ये द्विघात समीकरण के रूप का है तो जाहिर सी बात इसका एक्स का मान तो निकलेगा ही निकला, तो हमने यही लिखा था। अब एक्स का मान अपना निकाल के देख लीजिएगा, रोहन का वर्तमान आयु निकाल के जरूर देख लीजिएगा रोहन का वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। फिलहाल हम ये निकालने वाले हैं नहीं, क्योंकि हमको क्या करना है द्विघात समीकरण का निरूपित करना है, तो हम यहाँ पे आपको निरूपित करके दे चुके हैं, ठीक है, ये मेरा आंसर हो चुका है, बट आपको वर्तमान आयु भी ज्ञात करना है, तो उसको मैं एक्स
एक्स, एक्स का मान यहाँ पे निकाल लीजिए किससे, गुणनखंड विधि से या कोई भी विधि से आप एक्स का मान निकाल लीजिए। ये मेरा क्या होगा अपना एक रोहन का वर्तमान आयु के बारे में पता चल जाता है। इसीलिए यह एक द्विघात समीकरण है, ये भी हमको बताना था कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो ये हमको बताना था, तो ये हम बता चुके हैं कि यह एक द्विघात समीकरण है। तो इसी तरीके से फाइनली मेरा तीसरा क्वेश्चन नंबर एंड होता है। हम लोग जाते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, काफ़ी आसान तरीका से उसको भी बनाया, काफ़ी थोड़ा डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन, बस देखते रहिएगा, वीडियो पॉज मत कीजिएगा, वीडियो को मिस मत कीजिएगा, नहीं तो समझ में आने वाली है नहीं। तो चलिए देखिए पहले क्वेश्चन हम समझाते हैं आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी कितना घंटे से, मतलब 480 किलोमीटर प्रति आवर की दूरी समान चाल से चल रही है। मतलब देखिए एक घंटा में 480 किलोमीटर दूर एक समान चाल से चल रही है, मतलब समान चाल है, ठीक है, तय करती है। यदि फिर कहता है यदि इस, मतलब यदि इसकी चाल इतना किलोमीटर कम जाती है, मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होती है, कम जाती है, तो वह उसकी दूरी तय करने में 3 घंटा अधिक लेट हो जाता है। मतलब जब समान चाल था 480 किलोमीटर दूर तय कर रहा था समान चाल से, वो ठीक था, बट यहाँ पे 8 किलोमीटर दूर कम हो जाती है, तो उसकी, अब जाहिर सी बात है 8 किलोमीटर दूर कम हुआ तो उसकी दूरी तय करने के घंटे 3 घंटे अधिक लेते हैं। अब जाहिर सी बात, दूरी जब ये कम हो, जब ये स्पीड कम होगा तो घंटा ज़्यादा लगेगा, है कि नहीं, तो 3 घंटा ये अधिक ले लेता है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है जब 8 घंटा लेट हुआ तब। तो चलिए देखिए क्या करना है, इसको हम लिखे आए, पहले यहाँ पे लिखा हमने माना कि, ठीक है, पहले हमने क्या लिखा, माना के लिखा है, तो उसके बाद हमने देखिए क्या लिखा, पूरा विस्तार से देख लीजिए, एकदम वीडियो के पूरे लास्ट तक बन जाए, ताकि थोड़ा सा लॉन्ग बेजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिक्कत होती रहती है, तो बट यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो पहले भैया हम यहाँ पर देखें रेलगाड़ी की गति, पहले हमने मान लिया एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि हमको पता नहीं, हमको यही निकालना है जब घट जाता है तब, और उसके बाद घटी हुई गति कि रेलगाड़ी की गति जब घटता है तो कितना मिनट घटता था, एक्स का मान हमको नहीं पता था, यही हमको निकालना था, हम इसको एक्स माने, और मैंने घटा कितना 8 किलोमीटर, है ना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा, तो हम एक्स माइनस 8 कर दिए, कोई दिक्कत, जितना घटा उतने से हम घटा दिए, अगर 8 जितना रहता उतना घटा दे, जितना उसमें संख्या रहता उतना घटा दे, ठीक है। तो ये मेरा 8 घटा था, 8 किलोमीटर प्रति घंटा से हम क्या किए, घटा दिए एक्स में, तो हमको नहीं ना पता कितना, हमको यही निकालना है, हमको एक्स ज्ञात करना है ना, कि हमको कितना कितना होगा, तो ये तो मेरे पता नहीं रेलगाड़ी की गति कितना होगा जब 8 किलोमीटर घंटी घटता है, तो पर हम इसको क्या किया, हम एक्स माने, एक्स माइनस 8 कर दिए, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पे समान गति से रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना टी है, टाइम क्या है, टी मान ली, ठीक है, जब समान गाड़ी द्वारा तय किया गया दूरी था तो उसको हम क्या माने, टी माने थे। फिर हम यहाँ पे माने हैं, यहाँ पे इसको देख लीजिए, रेलगाड़ी द्वारा घटी हुई गति में लिया गया समय, तो अब बताइए समय कितना है, 3 घंटा ज्यादा ले लिया है कि ना, 3 घंटा लेट था, तो मतलब जब समान, जब गाड़ी का समान चाल था तो उसमें क्या हुआ, हम टी माने, टाइम, टाइम तो हमको नहीं पता, मतलब समान चाल था तो हम एग्जैक्टली मान लिए टाइम, मतलब टाइम क्या हुआ, टी मान लिया है कि ना, एग्जैक्टली जब सेम था, और जब वो क्या हुआ, जब 8 घंटा लेट, मतलब 8 किलोमीटर प्रति कम जाता तो उसका घंटा क्या होता है, लेट हो जाता है, लेट होने के कारण क्या हुआ, क्या हुआ, 3 घंटा अधिक हो गया, मतलब ज्यादा ले लेता है ना 3 घंटा, तो ये टी प्लस में 3 इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट, एक्चुअली माना जाए तो ये देखा जाए तो ये मेरा क्या हुआ, ये फर्स्ट, ये इस तरीके से कह सकते हैं आप, समीकरण मान सकते, कोई दिक्कत वाली, अगर नहीं मान रहे तो आपके कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे फिर हमने लिखा है कि हम जानते हैं, क्या जानते भाई, तो चलिए यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए क्या जानते हैं, ये चीज आप नोटिस करते रहिएगा फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं यहाँ पे कि समय बट्टा क्या होता है, दूरी बट्टा चाल होता है, ये सभी को पता है कि नहीं, तो समय हम क्या माने, इसीलिए टी समय माने, एंड यहाँ पे दूरी क्या मेरा 480 जानते कि दिए हुआ था, समान चाल पे क्या था यहाँ पे, एंड चाल क्या था मेरा एक्स था, जो कि हमको नहीं पता, यही चीज़ हमको ज्ञात करना है। और दूसरे समय में जब ये गाड़ी लेट होती है तो कितना समय अधिक घंटा लगाती है, ये 3 प्लस लगा दी, मतलब 3 घंटे लेट लगाती है, तो टी प्लस ये हो गया, ये क्वेश्चन फर्स्ट मान लिए, एंड यहाँ पे मेरा दूरी क्या है, दूरी इतना ही है ना, और यहाँ पे कितना घंटा, मतलब कितना ये दूरी, मतलब घट जाता है कितना, 8 किलोमीटर घट जाता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा से घटता है, तो यहाँ पे क्या गया 80 माइनस इतना कर दी, जैसे कि यहाँ पे हम यही चीज़ यहाँ पर उतारे है कि नहीं, ये चीज़ हम यहाँ पर उतारे, ये जो चीज़ है ना, ये दोनों यहाँ पर उतार दिए, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से इसका कैलकुलेशन किए हैं, इस तरीके से कैलकुलेशन करके यहाँ पे लिखे हैं, तो यहाँ पे टी माइनस प्लस 3 उधर लिखा, तो ये इधर के आ गया माइनस 3 आ गया, है कि नहीं, ये माइनस 3 इधर आ गया, तो ये क्वेश्चन फर्स्ट, ये क्वेश्चन फर्स्ट मान लिया, क्वेश्चन सेकंड मान लिया, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे दोनों समीकरण को क्या किया, बराबर कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को, तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को बराबर किया, टी इक्वल टू टी कर दिया, तो यहाँ पे दोनों समीकरण को बराबर करने के बाद हमको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा, दोनों समीकरण को बराबर किया, थोड़ा सा कैलकुलेशन किया, इसको इधर से गुना किया, देखिए इसको इधर से गुना किया, इसको इधर से गुना, कुंटा गुना गुना करने के बाद जो भी, पहले इसको तीन से इसको गुना करें, बट्टा घटाव किया इसके साथ, उसके बाद क्या किया, इसको गुना फुना करके यहाँ पे ला के, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन आप खुद से कीजिएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन ला के हम यहाँ पे आके रुके, फिर इसको क्या किया, हम यहाँ पे देख लीजिए, हमने यहाँ पे क्या किया, इसको इससे गुना किया अंदर में, इसको इससे गुना किया, उसके बाद फिर क्या किया, इसको गुना होने के बाद इसको उठाकर इधर लिया, ये पूरा को उठाकर इधर लिया, जो घटा घटा दिया, जो जुटा जुटा दिया, इसमें क्या हुआ, अब यहाँ मेरा जो बचा है 3 एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस, मतलब 3840 बचा इक्वल टू 0, तो हमें ऐसी मिसमें क्या किया, हम 3 कॉमन ले लिए, ठीक है, क्या ले लिए, 3 कॉमन लिया, यहाँ पे से 3 कॉमन खींच लेते, यहाँ पे जो 3 कॉमन खींचा गया यहाँ पे, तो मेरा जो खींचा गया तो वो खींचा गया है कि नहीं,
तो खिंचाने के बाद एक्जेक्टली क्या मेरे पास क्या बताया द्विघात समीकरण में, ये मेरे पास बताया एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस बार एक सौ मतलब 1280 बचा इक्वल टू जीरो। तो यह चूंकि ये एक ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक रूप का है, ये इस रूप का है, इसका मतलब द्विघात समीकरण है, यही हमको निरूपित करना था। तो हम द्विघात समीकरण क्या किए, हम निरूपित कर चुके हैं, तो इस तरीके से ये मेरा निरूपित हो गया। तो ये मेरा द्विघात समीकरण हो गया, तो बस ये हमको निरूपित करना था आपको x का मान दूरी मतलब ट्रेन का जो चाल निकालना है ना, तो चाल ज्ञात करना था, x x का मान निकाले जाए, x का मान निकाले भाई चाल हो जाएगा मेरा, है ना। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसी तरीके से मेरा प्रश्न वाली 4.1 मेरा इंड हो गया, ठीक है। इसी तरीके से 4.1 इंड हो चुका है, पूरा सवाल हो चुका है। अगर अभी तक वो सवाल सका मतलब फर्स्ट और सेकंड मतलब सेकंड का सेकंड और थर्ड नहीं देखें सॉरी फर्स्ट सेकंड का सेकंड मतलब फर्स्ट और सेकंड नहीं देखे तो जाके जरूर देख रहे हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, एंड यही नहीं तो ब्लैक एंड पे दबा करके वो भी देख सकते थे, आपको लिंक आया होगा। अगर नहीं तो जाके डिस्क्रिप्शन में जाके देख ले, अगर नहीं तो प्ले लिस्ट में जाके दे दिया गया, प्ले लिस्ट में जाके सब वीडियो जरूर देख ले। तो आज के लिए इतना ही रहने देते, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अभी तक मेरे चैनल पर नए थे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इसी तरह वीडियो अपलोड कर दो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।